हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। आई होप कि आप ये सीरीज़ इन्जॉय कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आई हूँ, ये 2012 दिसंबर पेपर थर्ड है। और हैव पेशेंस, 2019 का भी पेपर आएगा। ज़रूर सारे पेपर्स मैं आप तक पहुँचा दूँगी, इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू ही किया है मैंने। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, सीरीज़ जब चल रही है तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले तो ठीक है। और रही बात 2019 के पेपर की, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, वो जल्दी ही आप तक मैं पहुँचा दूँगी व्हेन इट इज़ कम्प्लीटेड। सो चलिए इसको देख लेते हैं। उससे पहले 2019 से पहले 2012 देख लेते हैं। तो इसको पहला इसमें क्वेश्चन आया था, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय V.S. Naipaul इज सब टाइटल्ड द करेबियन रिविजिटेड। इसका करेक्ट आंसर है आंसर सी, दैट इज़ द मिडिल पैसेज। सो V.S. Naipaul का जो मिडिल पैसेज है, ये सब टाइटल है इसका द करेबियन रिविजिटेड। ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, ये एसे है, बुक लेंथ एसे इन विच ये पब्लिश हुआ 1962 में। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज इज सेम एज। इसका करेक्ट आंसर है ए, इन लैंग्वेज फ्लुएंसी इज सेम एज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ अक्रॉस कंफर्टेबली इन स्पीच एंड और राइटिंग। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पैथेटिक फैलसी इज नॉट ट्रू। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज द टर्म पैथेटिक फैलसी वॉज ओरिजिनली यूज बाई पोप इन हिज पेस्टोरल 1709। इट इज़ अ लिटररी डिवाइस इन विच द ऑथर एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इमोशंस एंड ट्रेट्स टू नेचर एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, मैच द फॉलोइंग है, तो डायरेक्ट ऑप्शंस देख लेते हैं। एल एलिग्रो एंड एल पेंसरोसो कंपेनियन पोएम्स है इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट। लिसिडस जो है एक पेस्टोरल एलिजी है। कॉमस जो है एक मास्क है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है। एंड एरोगोपिटिशिया जो है वो है प्रोज ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव, द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड द यूनिवर्सिटी विट द राइमर्स क्लब द स्कॉटिश चौसेरियन राइट। इसका क्रोनोलॉजी देना है, सही क्रोनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका स्कॉटिश चौसेरियन, जेम्स वन डनबर एक्सेट्रा इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स रहे हैं। 1425 से 1650 के बीच में ये एक्टिव था ग्रुप। देन 1585 से 1600 के बीच में आते हैं द यूनिवर्सिटी विट्स, इसमें मार्लो, किड्स, नैश, ग्रीन, इन लोगों का नाम आता है। देन मिड 18th सेंचुरी में आता है ट्रांजिशनल पोइट्स, जिसमें आते हैं ग्रे, ब्लेक एक्सेट्रा। देन मिड 19th सेंचुरी में आता है प्री रेफलेक्ट ब्रदरहुड, जिसमें डी जी रॉजिटी, मिलेस, हंट, इन लोगों का नाम प्रोमिनेंट था। देन 1890 में आता है द राइमर्स क्लब, जिसमें येट्स, रेज, ये सारे लोग इंपॉर्टेंट मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स में है औचित्य रिफर टू, औचित्य क्या मतलब है इसका। सो इसका मतलब है औचित्य रिफर टू प्रॉपर्टी और अप्रोप्रिएटनेस। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, इन द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द ट्रायल टू मैन अकंपनीज जोसेफ के टू पार्ट ऑफ द सिटी टू इवेंचुअली एग्जीक्यूट हिम द प्लेस इज, कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है अक्वेरी। The place of murder in the closing para of Kafka novel The Trial is Aquari. Then question number 8 भी एक match the following है, इसको देख लेते हैं। यहाँ character है और यहाँ work है, तो देखते हैं कौन सा किसके साथ match होता है। Then Telemachus जो है ये Odysseus by Homer से related है। Anya The Cherry Orchard by Chekhov, then Zevorkov, Notes of Underground Dostoevsky का है, then Rastignac, ये old Goriot by Balzac, ये work है। Question number 9, this renowned German poet was born in Prague and died of leukemia. When a young, he met Tolstoy and was influenced by him. The title of his last two work contain the words sonnets and elegy. He is, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेन मैरी रिलेक। The above description is of रेन मैरी रिलेक। और इनका जो लास्ट दो वर्क था वो है Duno Elegies and Sonnet of Orpheus. Then question number 10, which of the following plays gained notoriety for its caricatures of philosopher Socrates? So iska correct option hai C,
एरिस्टोफेन्स द क्लाउड गेन्ड अ नोटोरिटी फॉर इट्स कैरिकेचर ऑफ सॉक्रेटिस एंड इज मेंशन्ड इन प्लेटोज अपॉलॉजी एज अ कंट्रीब्यूटर टू फिलोसोफर्स ट्रायल्स एंड एग्जीक्यूशन. देन क्वेश्चन नंबर 11, रेस्कोल्निकोव मर्डर द ओल्ड लेडी. सो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें सारे दिए हुए हैं, आपको फाइंड करना है कि इसका कॉम्बिनेशन कैसे है. सो रेस्कोल्निकोव इज डॉस्टोवस्कीज क्राइम एंड पनिशमेंट मर्डर द ओल्ड लेडी टू गेट हर मनी टू अचीव हिज एम्बिशन इन लाइफ एंड टू प्रूव हिज सुपीरियोरिटी ओवर द यंग मैन ऑफ द टाइम. देन क्वेश्चन नंबर 12, इन हिज प्लेस सॉरी इन हिज प्रीफेस टू द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स फूकॉल्ट मेंशन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन अमेरिकन राइटर एंड हिज वर्क. इसको आपको करेक्टली मैच करना है. सो इसका जो करेक्ट मैच है वो है बी, दैट इज इन हिज प्रीफेस टू ऑर्डर ऑफ थिंग्स फूकॉल्ट मेंशन बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय लुईस बॉर्गेस चाइनीज इंसाइक्लोपीडिया. क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज अ लिस्ट of partition novel which have violence on women's body as significant theme, pick the odd one. तो आपको इसमें से पिक करना है कौन सा पार्टीशन नॉवल नहीं है जिसका जो थीम है वो वायलेंस ऑन वुमेन बॉडी मतलब नहीं है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द ट्रेन टू पाकिस्तान. ये दो ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ पार्टीशन नॉवल, लेकिन ये एक मतलब एक मेल ऑथर का वर्क है और मेल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है. इसमें विमेन बॉडी और उनके ऊपर हो रहे वॉयलेंस के बारे में नहीं शो किया गया है. तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये कुशवंत सिंह का है. रेस्ट जो है वो द पाकिस्तानी ब्राइड बप्सी सिद्धवा, व्हाट अ बॉडी रिमेंबर सुहाना सोना सिंह शाहना सिंह और फिर द आइस कैंडी मैन बैप्सी सिद्धवा, ये करके हैं इनका नाम. देन क्वेश्चन नंबर 14, मैच द ट्रांसलेटर. सो एक तरफ आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और एक तरफ ट्रांसलेटर है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है. देन के बी वैद, द डायरी ऑफ अ मेड सर्वेंट, ओ वी विजयन, सागा ऑफ धर्मपुरी, दिलीप चित्रा, सेज तुका एंड ए के रामानुजन संस्कार. देन क्वेश्चन नंबर 15, इन हिज पोयम अ मॉर्निंग वॉक निज़िम एज़िकल टॉक अबाउट अ बारबेरिक सिटी सिक विद स्लम डिप्राइव्ड ऑफ सीजन ब्लेस्ड विद रेन इट्स हॉकर्स बैगर्स आयरन लंग्ड प्रोसेशंस लेड बाय अ फ्रेंटिक ड्रम आइडेंटिफाई द सिटी. सो ये किस सिटी की बात की जा रही है? इसमें जिस सिटी की बात की गई है उसका नाम बॉम्बे है. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, बॉम्बे. देन क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड्स लिंक्स फोर काइंड ऑफ मीनिंग इन मोस्ट ह्यूमन अटरेंस टू फोर एस्पेक्ट. दीज आर चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मेंशन किया है आई ए रिचर्ड्स ने अपने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, और वो कौन कौन से चार एस्पेक्ट्स हैं ये आपको बताने हैं. तो इसमें है सबसे पहले आई ए रिचर्ड्स ने बोला है सेंस फीलिंग स्टोन एंड इंटेंशंस. क्वेश्चन नंबर 17, इन क्रिस्टेबल एंड गार्डलिन एंटर्स सर लियोलिन्स कैसल ऑफ हर वे टू क्रिस्टेबल्स चेम्बर देयर आर सेवरल इल ओमेंस विच वॉर्न द रीडर अबाउट ग्रैडलिन. पिक आउट द फ्रेज विच डज नॉट सर्व एज एन ओमेन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज द मॉर्निंग विंड. मॉर्निंग विंड डज नॉट अपियर एज एन इल ओमेन. देन क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ड रिजरक्ट इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बैक फॉर्मेशन. देन क्वेश्चन नंबर 19, एक मैच कॉलम है उसको देख लेते हैं. जमाइका किनसेड एनी जोन, ये है बिल्डिंग रोमन का है 1985 में. देन हैनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स पिकारस्क है 1749. गोथ्स द सोरो ऑफ यंग रेदर
एपिस्टलरी है, देन विलियम बेकफोर्ड्स वेथक गॉथिक है. देन क्वेश्चन नंबर 20, टेड ह्यूज पोएम द थॉट फॉक्स इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज अबाउट थॉट एज अ फॉक्स. देन अबाउट अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोएट्री, अबाउट थॉट एंटरिंग द पोएट्स ब्रेन लाइक अ फॉक्स इमर्जिंग फ्रॉम डार्कनेस. सो ये सारी चीज़ें हैं. क्वेश्चन नंबर 21, इन एरिस्टॉटल्स पोएटिक्स वी रेड दैट इट इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ अ सर्टन मैग्नीट्यूड हैविंग बिगनिंग मिडिल एंड एंड, वॉट इज इट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज ट्रेजेडी. देन क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड्स टचस्टोन हेल्प अस टेस्ट ट्रूथ एंड सीरियसनेस दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट पोएट्री, वॉट आर द टचस्टोन. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द लाइन एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ ग्रेट मास्टर्स. क्वेश्चन नंबर 23, एन एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज्ड फॉर ओरल वर्बल कॉन्टेक्ट अमंग द कम्युनिटी हुज मेंबर्स स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज बट डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू फुलफिल द एसेंशियल नीड ऑफ कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय दिस डेफिनेशन. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज पिटगिन. पिटगिन इज एन extremely simplified form of language used for oral verbal communication in a community that does not share a common language among its member. Then question number 24, what do a prosodic feature of language tell us? Iska correct option hai B, a prosodic feature of language tell us of a speaker's age, emotional state, social class, educational background, geographical provenance, etc. Question number 25, what novel answer to the following description? This was 1990 bestseller by British writer. The work incorporates many genres such as letter, diaries and poetries and also third person narrative. The plot here involved two time periods, contemporary and Victorian. The work is subtitled a romance. अब ये वर्क आपको गेस करना है कि कौन सा है. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज पोजेशन, और इसको लिखा है ए सी बैट ने, बैट ने. देन क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग वर्क्स एंड फ्रेज पीस मेकर हेल्प मीट द फैट ऑफ द लैंड अ लेबर ऑफ लव द 11th आर एंड द शेडो ऑफ डेथ वर मेड करेंट बाय. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 16th सेंचुरी ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल. क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर एजर्ट्स कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज सलमान रश्दी. ही एसर्टेड वंस दैट कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द वन इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. सो इसको देख लेते हैं. सबसे पहले 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ, फिर डेथ हुआ है जॉफ्री चौसर का 1400 में, टिंडल्स का न्यू टेस्टामेंट आया है 1525 में, और शेक्सपियर का बर्थ हुआ है 1564 में. देन क्वेश्चन नंबर 29 भी एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. 1790 एडमंड ब्रूक्स द रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस 1792 मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट अ विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन. 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज लिरिकल बैलेट फर्स्ट एडिशन. 1800 सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट विद द प्रीफेस. क्वेश्चन नंबर 30, हु इज कीट्स स्लेन हिस्टोरियन सेल्विन हिस्टोरियन. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अ ग्रेशियन अर्न. उसमें उन्होंने इस फ्रेज का यूज किया है. क्वेश्चन नंबर 31, दिस पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड इन 1709 विद अ मोटिव टू एक्सपोज द फॉल्स आर्ट ऑफ लाइफ टू पुल अ डिस्गाइज ऑफ कनिंग वैनिटी एंड अफेक्शन एंड टू रिकमेंड अ जनरल सिंप्लिसिटी इन आवर ड्रेस आवर डिस्कोर्स एंड आवर बिहेवियर. द फाउंडर ऑफ द पीरियोडिकल रोट अंडर द स्यूडोनेम ऑफ इज़ैक बिकरस्टफ. The periodical described above is, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, टैटलर. The टैटलर, एडिसन एंड स्टील had started the above described periodical in 1709 with a motive to expose the false art of life. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32, इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर
in order in which details of research article essay appear in your bibliography. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. द टाइटल ऑफ एसे पहले आता है, फिर पेज नंबर, द टाइटल ऑफ द जर्नल, देन वॉल्यूम एंड इशू नंबर, देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन. क्वेश्चन नंबर 33. फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट द वर्क विच इज़ नॉट अ डाइस्टोपिया. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. दैट इज डाइस्टोपिया इज अ कैटास्ट्रोफिक टर्म यूज एज एन अपोजिट टू यूटोपिया. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एवेलिन वॉग ब्राइटशेड रिविजिटेड इज नॉट अ डाइस्टोपियन नॉवल. क्वेश्चन नंबर 34. अनलेस वेरीनेस बी यूज एज गुड ऑलमोस्ट किल अ मैन एज किल अ गुड बुक. हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रीचर्स गॉड्स इमेज बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इट्सेल्फ किल्स द इमेज ऑफ गॉड एज इफ वो इन द आई. मैनी अ मैन लिव्स अ बर्डन टू द अर्थ बट गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ मास्टर स्पिरिट. वेयर इज द पैसेज फ्रॉम. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. मिल्टन एरोपेगटिशिया. क्वेश्चन नंबर 35. वर्जीनिया वुल्फ रबिश्ड द आइडिया ऑफ कैरेक्टर एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिज्म ऑफ राइटर्स लाइक अर्नोल्ड बेनेट जॉन गॉल्सवर्दी एच जी वेल एंड फेमस एस्से. हर फेमस एस्से इज कॉल्ड मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन. हु इज मिसेस ब्राउन. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. द नेम वुल्फ गिवन अ वुमन हुम शी हैपन टू मीट इन अ ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 36. ई एम फ्रॉस्टर यूजेस सम रिकरेंट इमेजेस इन अ पैसेज टू इंडिया. पिक द ऑड वन. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सी. दैट इज थंडर. थंडर इज नॉट अ रिकरेंट इमेज यूज्ड बाय फ्रॉस्टर इन अ पैसेज ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 37. नाउ स्टॉप योर नोजेस रीडर्स ऑल एंड सम फॉर हियर्स टन ऑफ मिडनाइट्स वर्क टू कम. ओज ओजी फ्रॉम द Trezian Trevin rolling home, round as globe and liquored every chink, goodly and great he rails behind his link. In the above extract from Absalom and Ahitophel, OG is, iska correct option hai Thomas Shadwell, so option number C. Question number 38. D.H. Lawrence uses the expression a bright book of life described to. Iska correct option hai A. The novel. Then question number 39. Ek match di column hai. Toh direct match dekh lete hain. Where the angels fear to tread Italy. A portrait of the artist as a young man. Dublin. Ye sare setting hai. Setting of place. Idhar work ka naam hai. Then third jo hai wo hai a plumed serpent Mexico, an outcast of the island Malaya, under the western eye Russia. Question number 40 jo hai wo assertion and reasoning ka question hai. Assertion dekhte hain. Chaucer described Madame Eagleton thus, she was so charitable and so piteous, she would weep if that she saw a monus caught in a trap. Reason jo hai, on her brooch of gold full sheen was written amor vincit omnia. Iska correct option hai B. Both A and R, matlab assertion and reasoning are true, but reason is not correctly explained the A. Question number 41. Identify the correct statement of Langlois and Perrault. So Langlois and Perrault are a synthetic unit. Langlois is an abstract language system, the grammar of language. Perrault is a language actually produced by the users following language. So ye hai Langlois and Perrault. Then question number 42. In Monica Ali Brick Lane, which among the following character has face like a frog? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. चनू. चनू ठीक है. क्वेश्चन नंबर 43. द ग्रेट आई मॉन्ड स्माइल ऑन द फ्राउनिंग नाइट. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. द ड्रॉविंग. अब ये पूरा इसमें स्टेटमेंट है और फिर उसमें पूछा है कि स्पीकर कौन है. सो द ड्रॉइंग ऑफ अ न्यू डे. शेक्सपियर्स अबव लाइन फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट. Question number 44. How noble in reason
हाउ इनफाइनाइट इन फिकिलिटी, इन फॉर्म ऑफ मूविंग हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, एंड इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक अ गॉड. What does Hamlet marvel at this passage? Iska correct option hai C, man. Hamlet marvels a man and philosophies him in the line. Then question number 5, Saeed identify Orientalism as? Iska correct option hai C, that is 1, 2 and 3. Toh kya kya hai, dekh lete hain. What an Orientalist does, ठीक है, देन स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड ऑन ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टोमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन द ओरिएंट एंड द ऑक्सीडेंट, देन 3, ये सब रॉन्ग हैं. सी 1, 2, 3 एंड 4 इज रॉन्ग. सो इसका मतलब कि पूरा रॉन्ग है. ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है. सईद आइडेंटिफाई ओरिएंटलिज्म, what orientalist does, a style of thought based on ontological and epistemological distinction made between the orient and the accident, not occident, discourse deal with orient, orientalism is not a fact of nature but ideology. So ye pura orientalism ko isme ek para mein define kiya hai, dekh lijiyega. Question number 46, identify the period during which Puritan under the rule of Oliver Cromwell and his Commonwealth shut down all English theatre on religions and moral ground. Iska correct option hai B, 1649 se 1660 ke beech mein. 47, to tell the truth shung, act more manly than rest man. I mean she upright honest speak her mind. What light does the quotation throw on the shung every? Iska correct option hai D, that is B and C. She is upright and honest in asserting her lesbian identity and she is bent on self-assertion. Question number 48. Isme aapko correct statement dekhna hai kaun sa hai. So correct statement hai, a content word is not a function word. And a content word bear lexical meaning, whereas function word just about mean functionally. Question number 49, the year 1828 is landmark in the history of American language and literature. Identify the reason from the following. Iska correct option hai D, Noah Webster published an American dictionary of English language in that year. Question number 50, the alternate title of Frankenstein did Mary Shelley give. तो फ्रैंकेनस्टाइन जो नॉवल है या जो वर्क है इनका, उसको दूसरा क्या सब टाइटल दिया था मैरी शैली ने? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द मॉडर्न प्रोस्थीमस. देन क्वेश्चन नंबर 51, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन जॉर्ज लेमिंग इन कैसल ऑफ माई स्किन इज नॉट ट्रू. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमिंग In the castle of my skin does not parody Tempest. The other three statement correctly describe the novel. तो क्या क्या है सी को छोड़ के? This is a George Lemming novel, first novel, ठीक है. It is an elegiac account of a village growth into awareness in a late colonial period, ठीक है. On one level, this is coming of age story. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 52, वी आर लाइकली टू मिसअंडरस्टैंड एन एमिली डिकिंसन पोयम इफ वी टेक हर फेमस डैश टू बी. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, क्वाइट स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस. क्वेश्चन नंबर 53, रीडर ऑफ तैयब साहिल सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ इज अनडाउटेबली नोटिस इट्स पैरेलल with the story stories of. Iska correct option hai D, second and fourth, Othello and Heart of Darkness. Tayyip Sahil's seasons of migration to north has parallel with the story of Othello and Heart of Darkness. Question number 54, which of the statement is not true of Benedict Anderson's imagined community? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ए को छोड़ के ये पूरा करेक्ट है. तो जो करेक्ट है वही देख लेते हैं. इट इज़ अ सब टाइटल रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन
and the spread of nationalism. In this book, Anderson advances the view that nations are not natural entity but narrative construction. In Anderson's view, modern nationalism was basically a consequence of congruence of capitalism, the new print technology, and fixity that resulted from print extending to vernacular language. Question number 55. By swaggering, could I never thrive? For the rain, it raineth every day. ये जो है टेम्पेस्ट सॉरी ट्वेल्थ नाइट में ये लाइन आया है और ये किस नॉवेल से मतलब लिया गया दैट दीज लाइन्स फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट अकर इन द नॉवेल. सो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है और इसको किस नॉवेल में यूज़ किया गया है ये पूछ रहे हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए मिडिल मार्च. सो ये जो ट्वेल्थ नाइट की लाइन है ये मिडिल मार्च में यूज़ किया है जॉर्ज एलियट ने. क्वेश्चन नंबर 56. What is a mock epic, mock heroic poem? A mock heroic poem, अब आपको define करना है, uses a historical style to affectionate और क्या है exaggerate मतलब आपको हाँ dried ales and affections. Then question number 57. Which of the following statement is not true of Lawrence Stone Tristram Shandy? इसका correct option है A that it has a linear प्लॉट. सो इट हैज़ ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है. ये जो ट्रिस्टम शैंडी है इट्स ओपन एंड एंड विद द थीम ऑफ बर्थ. इट कंटेन अ ट्रिप टू फ्रांस एंड इट कंटेन अ मार्बल्ड पेज. देन क्वेश्चन नंबर 58. इन द ड्रामा एंड असाइड इज एड्रेस्ड. इन ड्रामा एंड असाइड इज एड्रेस्ड टू एन ऑडियंस बाई एन एक्टर. द वर्ड so spoken are not meant to be heard by other actor on stage. Question number 59 mein match hai, dekh lete hain iska. T Hardy matlab Thomas Hardy's mayor of Casterbridge, isme ki line hai, happiness was but an occasional episode in the general drama of pain. Then dusra hai Lawrence ka Sons and Lover ki line hai, he walked toward the faintly humming glowing town quickly. F. Scott Fitzgerald ka The Great Gatsby ka work ka line hai, so we beat on boat against. G. Eliot matlab George Eliot ke The Mills on the Floss ki line hai, in their death they were not divided. Question number 60. There is nothing outside the text is a statement by Jacques Derrida. Then question number 61. Here is a list of women abandoned by their lover in Hardy's novel. Pick the odd one out. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बाथशेवा एवर्डिन. ये जो हैं ये फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स की हैं और ये इन सब में से अलग हैं. Then question number 62. Which of the following a description of a loosely shally of the mind an irregular indigested piece? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज एसे. एसे वॉज एन वॉज डिफाइंड बाई अ फेमस क्रिटिक एज अ लूजली शैली ऑफ द माइंड लूज शैली ऑफ द माइंड एंड इररेगुलर इनडाइजेस्टेड पीस. देन 63. फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट द क्रिटिक हु इज नॉट अ न्यू क्रिटिक. सो इसमें से न्यू क्रिटिक कौन नहीं है? क्लॉड लेविस स्ट्रॉस. ये जो हैं ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म से एसोसिएटेड हैं. बाकी एलन जो हैं वो न्यू क्रिटिक हैं. Then 64, from the following list, pick out a woman character who does not belong to Amitav Ghosh novel. Iska correct option hai B, that is Urvashi. Urvashi is not the character in Amitav Ghosh novel. 65, pick the odd man out of the following member of subaltern group. Iska correct option hai D, that is Sumit Sarkar. Ye modern Indian historian hai, associated with Swadeshi movement. Then 66 है स्टेटमेंट एंड उसका इंटरप्रिटेशन है. आवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग. और इंटरप्रिटेशन है, इन ह्यूमन सोल नेवर ट्राइज इन द कोर्स ऑफ लाइफ इट नेवर्स डाई. देयरफॉर ह्यूमन लाइफ इज़ अ लॉन्ग स्लीप एंड एफीमेरल इवेंट आर बेटर फॉरगॉटन. बी है जो स्टेटमेंट है इज़ अ व्यू एंड
जो इंटरप्रिटेशन है वो करेक्ट है. 67, द पैरिश ऑफ अ रिच वुमेन फिजिकल डिके योर सेल्फ वॉट डू दीज मेक डब्ल्यू बी येट्स इन डब्ल्यू एच ऑर्डेंस व्यू. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज सिली. 68, हु अमंग चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर इज एम्बल एंड हु इज विलन. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उरिहा हीप बार्किश. एंड क्वेश्चन नंबर 69, फोर्थ वर्ल्ड लिटरेचर्स रिफर टू. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज द वर्क ऑफ ब्लैक पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट और रिफर टू द वर्क ऑफ नॉन हेट्रोसेक्सुअल्स. 70, एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. एजर्शन है, इन डचेस ऑफ माल्फी फर्डिनेंड सेट अ होल ग्रुप ऑफ मैडमैन ऑन द डचेस एंड दे डांस एंड सिंग इन अ क्रेजी मैनर. देन क्वेश्चन जो इसका रीजनिंग है वो है, हिज डिजायर वॉज टू प्रोवाइड अ स्ट्रेंज एंटरटेनमेंट टू ड्राइव द डचेस मैड. टू ड्राइव द डचेस मैड, वो डचेस को पागल करना चाहता था. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट हाँ दोनों करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 71, व्हाई इज द सिग्निफाइंग मंकी ऑफ हेनरी लुईस गेट्स JR अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द सिग्निफाइंग मंकी बाय हेनरी लुईस गेट्स JR या जूनियर, जो भी आप इसको पढ़ लें, ऑफर द थियोरी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन क्रिटिसिज्म दैट ड्रॉ अपॉन द रिटोरिकल एंड सिग्निफाइंग प्रैक्टिसेस. देन 72, दिस इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक, ये जो पूरा पूरा है, रोट इन्फ्लुएंशियल कमेंट्री ऑन सच पोएट एज शैली ब्लेक एंड येट्स, पब्लिश सच टाइटल एज एन एंजाइटी इफ इन्फ्लुएंस अ मैप ऑफ मिसरीडिंग poetry and repression and the western canon asserts that most literary criticism is but a slightly distinguished religious and is arguably the most widely known and contrary among his American peer in the English academy. तो ये जितना भी स्टेटमेंट दिया है ये आपसे पूछ रहा है कि किस क्रिटिक के बारे में बात हो रही है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज हराल्ड ब्लूम. क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू द इटालियन मार्क्सिस्ट थियोरी एंटोनियो ग्रेमसी, ये ऑप्शन है डी, हेजिमनी इन सिनोनिमस विद सब्जुगेशन. देन 74 जो है वो मैच है, वो देख लेते हैं डायरेक्ट मैच. इसमें जो कुछ ऑथर हैं और वो फिर पूछ रहा है कि किस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, तो जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, थॉमस किड, ये लोग यूनिवर्सिटी विट हैं. देन कॉनग्री, वेशरले, एथिगर एंड फराखर, ये जो हैं ये रेस्टोरेशन प्लेराइट हैं. देन एवर्ट मिलाइस, कॉलिसन, मेडॉक्स फोर्ड, ब्राउन, डी जी रॉजिटी, प्री रेफलाइट ब्रदरहुड हैं. देन अर्नेस्ट डाउनसन, देन लियोनॉल जॉनसन, डब्ल्यू बी येट्स, ये रैम्बलर क्लब से एसोसिएटेड थे. देन क्वेश्चन नंबर 75, फाइनली कंबाइन द स्टेटमेंट करेक्टली अकॉर्डिंग टू होमी भाभा. सो इसका है, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू होमी भाभा, मिमिक्री इज़ नॉट मियर अ कॉपिंग और एम्यूलेटिंग द कॉलोनाइजर्स कल्चर बिहेवियर एंड मैनर, बट इट इज़ इन्फॉर्म्ड बाई बोथ मॉकरी एंड अ सर्टेन मिनेंस. सो ये ओवरऑल जो पेपर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप कि यू इन्जॉय दिस सेशन एंड वेट करिए, बाकी सारे पेपर भी आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे. सो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.